आपको याद रखूंगा मैं, ये बात याद रखना। रोहित कौन सी मुसीबत में फंसे हो? सोनाक्षी भी साथ में उस मुसीबत में फंसी है आपके साथ जी। एक्चुअली सोनाक्षी के कारण रोहित जो है वो सारी मुसीबतों में फंस जाता है। उसकी वजह से रोहित सिप्पी की लाइफ जो है वो एक टीवी सीरियल की तरह हो गई है। कभी गुंडों के साथ होता है, कभी गोलियां चल रही होती हैं उस पर, और अभी तो एक आइस ट्रक में वो फंस गया बेचारा सोनाक्षी के साथ। काफ़ी इमोशनल भी हुए और कुछ एक सच्चाई भी उन्हें बता दी गई अपनी बहन पूजा के बारे में। वेल हाँ, एक वल्नरेबल मोमेंट में रोहित ने शेयर किया कि पूजा जो है वो अडॉप्टेड है। पहले मत बोलना एम्बार्गो है। अच्छा, इसके अलावा गणपति जी का भी मतलब जी स्थापना होने वाली है और उसकी भी काफ़ी स्थापना नहीं, स्थापना तो हो गई और अभी विसर्जन वाला हम शूट करेंगे। तो स्थापना के दिन तो आप सब थे, आप नहीं आई थी, इनको भेजिए अगली बार स्थापना पे। तो हाँ, गणपति जी का पूरा जो फेस्टिवल है अभी विसर्जन का हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग शूट करेंगे, तो आई होप आपको देखने को मिलेगा जो। हाँ, एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मम्मी और परी जो मेरी बहन है छोटी, वो मुझे समझ नहीं रहे हैं, मुझे गलत चीज़ों के लिए ब्लेम कर रहे हैं और इससे ऑब्वियसली बहुत तकलीफ़ हो रही है। जी, और कोई मतलब किसी और भी रीज़न? हाँ, काफ़ी आप परेशान? नहीं, किसी और रीज़न मतलब ऑलरेडी टेंस्ड हूँ और कोई और आ जाएगा, लाइक करण जो सोनाक्षी का पास्ट रह चुका है वो सामने आ जाएगा एंड सोनाक्षी ऑल द मोर डिस्टर्ब हो जाएगी ऑब्वियसली, बिकॉज वो बहुत ही परेशान है इस वक्त तो। हाँ, लेकिन एक बात अच्छी है कि इस बार सोनाक्षी डर से चुप नहीं होने वाली, वो वापस जवाब देगी। थैंक यू। आई थिंक जो शूट है वो हमारा बहुत फन स्पेस में हो रहा है फिलहाल, बिकॉज थोड़ा बहुत जितना आपने हमारे टीजर्स में देखा होगा, एक थोड़ी बहुत नोकझोंक भी है हम दोनों में, तो वो सीन्स करने में हमें बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर आप लोगों को देखने में उससे ज़्यादा मज़ा आएगा एंड बाकी इससे ज़्यादा, जैसे आपने बोला पिक्चर अभी बाकी है तो उसके लिए आपको पिक्चर ही देखनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं बताऊँगा। बिल्कुल, देखिए शूटिंग तो शुरुआत जिस तरह हुई है, हमारी जो टीम फॉर्म हुई है बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि हर कोई इतना एंथुजियास्टिक है अपने रोल को लेके, और हमारा जो बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि ये एक एक्ट्रेस हैं और इनके सीन्स जो लिख के आते हैं वो, और जो मेरे रिएक्शंस लिख के आते हैं या जिस तरह वो प्ले आउट हो रहे हैं और जिस तरह दीपिका अपने सोनाक्षी और पार्वती के डिफरेंस को परफॉर्म भी कर रही है, वो देखने में ही इतना मज़ा आ रहा है। जैसे कि आपने एक ट्रेलर में सीन देखा होगा जहाँ ये चिल्ला रही है टीवी पे और ये खाना खा रहा है, वो मैंने पूरा देखा है पहले, बैठ मैं सिर्फ देख रहा था वो बैठ के, तो मुझे डायरेक्टर ने आके बोला कि ये देखने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी एक्टिंग के लिए ये इसीलिए लगाया ताकि तुम्हें क्यों मिले। तो मैं बोला हाँ, तो वो इतना देखते हुए हमें मज़ा आ रहा है, पढ़ते हुए मज़ा आ रहा है, तो आई एम श्योर आप सबको शो जब ऑन रहेगा तो बहुत मज़ा आएगा। ओके, करण, जैसे कि यू नो अभी पैनल डिस्कशन हो रहा था तो जैसे कि सब डॉक्टर्स ने कहा कि डॉक्टर्स को थोड़ा खड़ूस होना पड़ता है, वैसा दिखाना पड़ता है, आपके लिए कोई डिफिकल्टीज हुई कि वैसा खड़ूस बनने में? देखिए खड़ूस खड़ूस तो मैं हूँ नहीं, पर लगता हूँ ऐसा, मुझे ऐसा लगता है। But I think by the end of this show, ये खड़ूस बन चुके हैं। हाँ, दीपिका का एक बहुत अच्छा स्वीट क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा था कुछ दिन पहले जब हम शूटिंग कर रहे थे, दीपिका ने मुझे देखा, मैं कुछ ऐसे ही देख रहा था सेट पे, ऐसे ऐसे आजकल ये ऐसे ही रहते हैं। हाँ, ऐसे ही वो उसकी माथा तनाव रहता है उसका, तो मुझे बोलती ये शक्ल रोहित के लिए बनाई है या ऐसी ही है? So we all will wait. Yeah. बट सरप्राइजिंगली इनिशियली मेरे लिए ईजी बिल्कुल नहीं था क्योंकि मैं इतना नेचुरली मैं प्ले करने की आदी नहीं हूँ। सो हम जिस स्पेस में ये शो शूट कर रहे हैं दैट इज वेरी नेचुरल, वेरी मी, वेरी रिलेटेबल, तो वो थोड़ा अनलर्न करके ये लर्न करने में मुझे वक्त लगा। बट काफी डिफिकल्ट चीज होती है, मतलब ये ऑब्वियसली कह नहीं रही है आपसे, लेकिन क्योंकि एक तरफ ये एक आउट एंड आउट सोप स्टार प्ले करती हैं, और जैसे ये कह रही है अभी आपने कहा कि ये शी इज़ प्लेइंग हरसेल्फ, लेकिन टू प्ले योरसेल्फ इज़ एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि अगर मुझे कोई बोले प्ले योरसेल्फ तो मुझे नहीं पता
मुझे अच्छा रहना है बुरा रहना है, करेक्ट, मैं तो नहीं डिसाइड करके आता हूँ कि मैं यहाँ पॉज लेके आपको ये बोलूँगा, तो वो बड़ा डिफिकल्ट होता है और बहुत बखूबी कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है जी। बिल्कुल, काफ़ी हम रीडिंग्स हमने काफ़ी की थी, क्योंकि देखिए मेडिकल साइंस जो है वो बहुत ही एक एक्सटेंसिव साइंस है, और थोड़ी सी नॉलेज रखना या उसके उसके वर्ड्स को फ्लुएंटली बोलना और एक एफर्टलेसनेस रखना अपनी बॉडी लैंग्वेज में, एक छोटी सी चीज़ है जैसे ये अटायर है या स्टेथोस्कोप है या कैप है या ये स्क्रब्स होते हैं, तो वो काफ़ी नए होते हैं आपकी बॉडी के लिए, आपको आदत नहीं होती, तो वो सब चीज़ें जानना। और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, क्रिएटर हैं संदीप सिकंद, उन्होंने इतना एक्सटेंसिव काम किया हुआ है हम सबके कैरेक्टर्स के, आप उनके साथ बस बैठ के बातें करेंगे ना, आपकी वर्कशॉप उसी में हो जाएगी। आई थिंक संदीप की वजह से हम सब के लिए शो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एंड थोड़ा मैं बोलूँगी ईजी है, क्योंकि उन्होंने इस हद तक का होमवर्क किया है ना, बिल्कुल, कि उन्होंने हमारे लिए ढांचा बना दिया है, हमको सिर्फ जाके उसमें खुद को फिट करना है। और संदीप ऐसा है ना कि सुपर, वो जेन्युइनली खुद एक्टर भी हैं और बहुत बेहतरीन एक्टर, अच्छा है। एक्टर। तो जब वो आपको आपका सीन पढ़ के या परफॉर्म करके दिखाते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है अरे ऐसा हाँ। मैं तो कर भी नहीं पाऊंगा यार, करेक्ट, तो काफी अच्छा कर रही है। एक्चुअली समय इसी के इंतजार में गया है, बिकॉज मैं बाहर निकली एंड आई वॉज इन अ चिलिंग मोड, तो संदीप का फोन आया एंड आई वॉज लाइक हाँ ओके ठीक है करते हैं, तो मैं गई एंड आई वॉज नॉट इन अ हरी कि मैं कुछ लूँ, एंड ये शो ऑफर हुआ था, फिर हमने एक लुक टेस्ट किया, देन मैं आराम से वेट कर रही थी एंड हो गया। सो ऐसे कुछ प्लान करके नहीं हुआ, जस्ट हैपेंड, आई थिंक डेस्टिनी। शोएब को प्रोमो दिखाया नहीं, वो हर चीज़ सबसे पहले देखते हैं, ही इज़ वेरी एक्साइटेड, बिकॉज हम सब फॉर दैट मैटर बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि मैं इस शो में बहुत फ्रेश लग रही हूँ एंड एज शी सेड मैं बहुत नॉर्मल स्पेस में हूँ, तो हम सब बहुत एक्साइटेड हैं, शोएब इज़ डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये शो ऑन एयर हो। कितनी स्वीट है आप, दुष्ट है, नहीं मेरा मेरे ब्रेकअप उल्टा होते हैं कि इसके पास बहुत टाइम है भाई, ये पूरा टाइम यही बिता रहा है, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ अभी तक, तो जी होगा तो आई एम श्योर आपको तो पता चल ही जाएगा। एक्चुअली नहीं, बिकॉज जैसा हम दोनों एक्टर्स हैं, हम दोनों एक दूसरे की स्पेस अच्छी तरह से समझते हैं, कई बार शोएब शूट कर रहे होते हैं तो ऐसे होता है कि उनको भी टाइम नहीं मिल पाता, तो बीइंग इन द सेम प्रोफेशन चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं, आई एम श्योर दीपिका इस बात से पूरी तरह रिलेट करती हैं कि अगर आप किसी को बोलें कि नहीं एक्सटेंड हो गई क्योंकि कल का टेलीकास्ट है और ओएस बचा हुआ, तो अब मैं ये एक नॉर्मल इंसान को बोलूंगा तो बोलेगा वो समझेगा नहीं, कास्ट आर्ट शूट कर रहे हो तुम लोग, व्हाट कैसे होगा, करेक्ट। अब एक एक्टर समझ जाता है, खासकर एक टेलीविजन एक्टर, कि ओएस बचा हुआ है उसको 15-20 मिनट और लगेंगे, वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल, तो वो इंटरेक्शन आई एम श्योर इन लोगों का एक अच्छे दर्जे पे होगा, जिसकी वजह से तो बहुत नॉर्मल हो जाती है चीजें, बिकॉज़ आप ओके, सो लास्टली जाते जाते हमारे ऑडियंस को बता दीजिए कब से हमको, हम तो आते आते बताएंगे, आप जाते जाते बताइए। सो हम ये बहुत ही फ्रेश सी एक लव स्टोरी, बहुत ही अलग एक हम चीज़ आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं, एंड जितना अब तक आपका रिस्पॉन्स है, सबसे पहले तो उसके लिए थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के एडिट्स एंड आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के, एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ आप हैं तो हम हैं, अब तक आपने बहुत प्यार दिया है, सो 17th से दोबारा से अपनी प्यार की बौछार कीजिए एंड प्लीज़ वॉच अस ऑन स्टार प्लस 9 बजे, कहाँ हम कहाँ तुम। Thank you so much. Thank you. Thank you. सबसे पहले तो congratulations. Thank you. Star Plus पे वापसी हुई है. जी. So सबसे पहले तो चलो चाहिए कि वो किस तरीके की feeling है, you know, वापसी हो गई है Star Plus पे, तो उससे. Actually, मेरा temperament थोड़ा सा अलग है, मेरी सोच थोड़ी सी अलग है. लोग कहते हैं कि एक show खत्म हुआ तो we should give a break. हमें सोचना चाहिए कि हमें next show कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना struggle है. See, honestly, I'll be very honest as an actor, life. People think it's very easy, but it is really very difficult. Okay, so I don't have the scenario that it's a lead or it's a parallel lead. What I want personally is that the character should be nice. आपको कुछ अलग करने को मिल रहा है. Plus, it's a very big platform. Like Star Plus is a very renowned platform, I would say. And being associated with such a good cast, this is what matters as an actor.
ये नहीं सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो उस शो में, आप अच्छा कर रहे हो, आप इस्टेब्लिश हो जाओगे उस शो में. सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक, एंड आई थिंक आई एम लकी इनफ बिकॉज मोहब्बतें ख़त्म हुआ है अभी एंड मैं इस शो में आ गया हूँ वापस. तो मुझे अभी याद है कि मेरा लास्ट शॉट था जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होता है एंड वहाँ मैं मरता हूँ और नेक्स्ट कट टू नया रोहन की जर्नी शुरू होती है. सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे. बहुत बहुत सिंपल. जी 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 किरदार निभाया है, इसमें किस तरीके का मोहन देखने मिलने वाला है? मोहब्बतें में मैं बहुत ही ज़्यादा, बीच में थोड़ा सा नेगेटिव था इनिशियली, बट उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा फोकस था आलिया को लेकर और बहुत रोता था, नहीं हो पाया बहुत सारी चीज़ें. और जो एग्जिट थी वो भी बहुत ही एक ड्रामेटिक एग्जिट थी कि वो पूरे भल्ला फैमिली के लिए स्ट्रगल वो करके सेक्रीफाइस करके वो मर जाता है. बट ये वाला जो रोहन है ये बहुत ही कम्प्लीटली डिफरेंट है. ये बंदा बहुत बड़ा फ्लर्ट है, मतलब अगर साथ में लड़की भी खड़ी होगी तो उसको वो कब लेके चला जाएगा पता नहीं चलेगा, लाइक आसपास भी नहीं पता होगा कि ये दोनों है क्या, एंड ही विल बी आउट. सो दिस इज समथिंग डिफरेंट विच आई एम डूइंग फर्स्ट टाइम ऑन टेलीविजन. तो या उस वाले रोहन से ये रोहन काफ़ी अलग है. बिल्कुल बिल्कुल ये वो थे. आई थिंक शायद संदीप सर का शो है तो आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ सोचा हो कि कुछ रिलेटेबल कुछ चीज़ें कुछ रिलेट कर सकें. बट आई डोंट नो, आई देयर समथिंग विद द लेटर आर. मैंने जितने भी शोज करे हैं उसमें मैं एक भी वैसा भी मैं रणवीर था. मैंने करण के साथ एक शो करा है जिसमें करणवीर ग्रोवर के साथ ही, दैट वॉज पुनर्विवाह, उसमें भी रोहन था मैं. सो आई डोंट नो, देयर समथिंग विद रोहन. मोहब्बतें वॉज रोहन, दिस इज रोहन. सो आई थिंक या सो आगे से मैं ये बोलने वाला हूँ, रोहन नाम तो सुना होगा. मैं सच बताऊँ तो मैंने सितंबर में शो साइन किया था. आई हैड अ वर्ड विद द क्रिएटिव्स, दे वर सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड दे वर लाइक, न्यूज़ थी दिसंबर में शो ऑफर हो रहा है और मेरे हाथ पे कॉन्ट्रैक्ट था. सो मैं ऐसे देख रहा था करूँ ना करूँ करूँ ना करूँ. सो देन आई स्पोक टू संदीप सर एंड द क्रिएटिव्स एंड दे वर लाइक, भाई ये जब शो शुरू हुआ था उसके 6 महीने बाद से न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी. सो आई डोंट वॉन्ट कि वाई एच एम सिंक करे बिकॉज इट्स अ टाइटैनिक. तो आई जस्ट वॉन्ट इट शुड कीप ऑन सेलिंग एंड सेलिंग एंड लोग इतना प्यार करते हैं उस शो को, तो मेरे को नहीं लगता कि ये शो बंद होगा. बट हाँ, कहीं ना कहीं जाके कुछ जर्नी है, एक इट्स अ जर्नी, सो इवेंचुअली कहीं ना कहीं तो ख़त्म होगी. बट अभी एज सच मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है. आई जस्ट विश कि वो शो चलता रहे बिकॉज वो भी संदीप सर का शो है और मेरा काफ़ी कनेक्शन है उस शो से अब. ऑल दो बहुत ज़्यादा काम नहीं किया बट आई वर्क फॉर लाइक 8 to 9 months, बट आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर और बहुत अच्छे मेमोरीज हैं. सो आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस थिंग. ये मोहब्बत है. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. पूरी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, मैं ही हूँ जो एक बिल्डर है और फ्लर्ट है. करण का छोटा भाई है और अपनी वाइफ से बहुत परेशान है, प्यार करता है लेकिन कहीं ना कहीं हाँ वो थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा सा साइड में करके हाँ लगा रहता है, फ्लर्टिंग करता रहता है. सो हाँ, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं और इस शो की बेस्ट बात ये है कि इस शो में मस्ती भी है, मजाक भी है और ड्रामा भी है. सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग विच इज़ लाइक अमेलगमेशन ऑफ एवरीथिंग. सो आई थिंक इट्स और संदीप सर हैं शो में तो कोई प्रॉब्लम है ही. सी लोग कहते हैं मैं फ्लर्ट करता हूँ, मुझे पता नहीं, बट हाँ मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ. दैट्स आई थिंक फ्लर्टिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, मैं छुपाऊंगा नहीं. बट देन हाँ, मेरे लिए ये कैरेक्टर प्ले करना इज़ लाइक ठीक है. हाँ ये है ना, मैं पूछते थे डायरेक्टर से, अच्छा ये वाली आज इससे करना है फ्लर्ट, अच्छा ठीक है. दैट्स हाउ इट इज़ गाइज. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो आपने मुझे दिया है ये है मोहब्बतें में. नाउ इट्स टाइम फॉर कहाँ हम कहाँ तुम, उसको भी मत छोड़िएगा प्लीज़, उसको भी सपोर्ट कीजिए. एंड प्लीज़ follow me, follow us, follows the entire team on this thing, कहाँ हम कहाँ तुम. and please अपना प्यार देते रहें and please follow this show, कहाँ हम कहाँ तुम.